जैसा कि आपको, तो आज हम ट्राई करेंगे कि सबसे जो बुलंद है ना इस्लामाबाद की, उसको हम क्लाइम करते हैं। वहाँ पे तकरीबन मुझे लगता है 1 या 2 घंटे लगेंगे ट्रैक करने में ना। तो गाइस इस टाइम हम एज यूनिवर्सिटी पहुंच चुके हैं और उसके साथ बहरिया यूनिवर्सिटी है, और अब हम 9th Avenue से उतर के मार्गला रोड पे आगे जाएंगे। तो आप लोग खूबसूरत सीनरी को एंजॉय करें और आपको मिलते हैं ऊपर मार्गला हिल्स पे जाके। मेरी किस्मत के हर एक पन्ने पे मेरे जीते जी बाद मरने के, मेरे हर एक कल हर एक लम्हे में तू लिख दे मेरा उसे, हर कहानी में सारे किस्सों में दिल की दुनिया के सच्चे रिश्तों में जिंदगानी के सारे हिस्सों में तू लिख दे मेरा उसे। जो मार्गला हिल्स है वो तकरीबन 4000 से लेके 5000 फीट के दरमियान रेंज करती हैं, इनकी जो पीक्स होती हैं। और यहाँ पे ख्याल ही करना चाहिए इन मोड़ों पे कि बहुत ज़्यादा शार्प टर्न्स होते हैं ये, तो इन पे इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि धीरे धीरे आराम से चलाए और क्रॉसिंग ना करें। वो देखें जी मार्गला हिल्स की खूबसूरती आप लोग देख सकते हैं कि मतलब अखीर ही हो जाती है कि सामने में ज़बरदस्त पहाड़ है और सामने फैसल मस्जिद उसके दामन में नज़र आ रही है, तो मैं कहता हूँ बस बंदा देखता ही रहता है। Thank you.
वेलकम बैक गाइस। तो अब ये यहाँ पे आके बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दो रास्ते कहाँ पे जाते हैं। तो ये रास्ता एक जा रहा है और एक ये रास्ता सीधा जा रहा है। और अब ये जो सीधा रास्ता है ये जाता है तलहार विलेज, दो दो पहाड़ों के दरमियान एक गांव है इस्लामाबाद का। और वहाँ पे मैं हो चुका हूँ, बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे व्यूज़ आते हैं। तो व्लॉग बनाएंगे किसी दिन वहाँ भी। वो जाता है सीधा मोनाल और उससे आगे जाता है पीर सुहावा। तो हमने जाना है पीर सुहावा, वहाँ पे सबसे ज़्यादा हाइट है। पीर सुहावा तो हम पहुंच गए, अब आगे हाइकिंग करेंगे। तकरीबन एक घंटा लग जाएगा मेरे ख्याल से। वो शायद आपको नज़र आ जाए या नहीं, वो वाला जो पहाड़ है ना वो सबसे ऊंचा है, तकरीबन 4500 फीट तक है। तो उस पे हाइकिंग करेंगे आज, ट्राई करते हैं। बहुत ही पुरसकून माहौल है यहाँ पे, हवा चल रही है हल्की हल्की सी। और रही बात इस जगह की, ये जगह मेरी फेवरेट है। मैं यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा दफ़ा आता हूँ पीर सुहावा। यहाँ पे परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है और खुशबू सी फैली हुई है। और सारे रास्ते में आगे हाइकिंग जब आप करते हैं तो मतलब इंसान की बॉडी एक बहुत फ्रेश हो जाती है। तो मैं आप सबको कहूँगा कि आप लोग ज़रूर यहाँ पर आएँ, फैमिलीज़ के साथ आएँ, फ्रेंड्स के साथ आएँ
और यहाँ पे आके घूमें फिरें और खाना वगैरह बनाएं, पिकनिक करें।
गाइस ये थी आज की हमारी राइड, और आपको ज़रूर व्लॉग पसंद आया होगा, तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर दबाएं, और मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।